स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ विषय को बिल्कुल बेसिक से और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए। हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इस चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज उसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है जब रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती है। हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में मात्रक को चेंज करना पढ़ लिया है। मात्रकों को कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमें अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करना है। रेलगाड़ी हमने अपना पहला टॉपिक लिया है, यही हमें स्टार्ट करना है और हमें इसमें पहले प्रकार के प्रश्न लगाने हैं जब रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसके कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रेलगाड़ी पर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों ने चाल, समय और दूरी इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आराम से समझिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है दूरी। ये फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगी, दूरी इधर रहेगा, समय का आप त्रिक गुणा कर दीजिए तो चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करना हमारे लिए आसान होता है और यहाँ समय का भाग करना था तो भाग करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अब आप फार्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, चाल को स्पीड कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। तो डिस्टेंस यानी कि डी बराबर स्पीड यानी चाल हमारी एस हो गई और टाइम हमारा टी हो गया। तो डी बराबर एस इंटू टी, ये आपको फार्मूला याद रखना है। यही फार्मूला आपको प्रत्येक प्रश्न में लगाना है, डी बराबर एस इंटू टी, और जहां जरूरत होगी वहां पर हम लोग चाल बराबर दूरी बटे समय का भी फार्मूला यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आपकी जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ दिक्कत सॉल्व कर लेते हैं। दिक्कत कुछ लोगों को ये हो रही थी कि मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, और ये जो समय दिया होता है घंटे से मिनट में या घंटे से सेकेंड में और सेकेंड से घंटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो उसमें दो चार लोगों के मैसेज आए थे तो वहां पर बताया गया था कि आप मीटर से किलोमीटर और सेकंड को भी कन्वर्ट करना घंटे से भी बता दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दो चार पाँच मिनट लगेगा, आप इसको सीख लीजिए। ध्यान रखिएगा एक किलोमीटर में, जब भी यहाँ एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो एक किलोमीटर में हमेशा 1000 मीटर होता है, ये होता ही है, इसको कहने की बात नहीं है। तो एक एम में यानी एम फॉर मीटर लिख दें तो इसको एम ए लिख सकते हैं या फिर सीधे एम ही लिख सकते हैं। एक मीटर में 1000 को इसके नीचे भेज दें, 1000 का हम लोग भाग कर देंगे तो 1000 किलोमीटर होता है। इस चीज को आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्या आपको रटना है, आपको रटना ये है कि अगर किलोमीटर लिखा हो तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 मीटर लिखेंगे, अगर मीटर लिखा हो मीटर की जहां पे आपको किलोमीटर लिखना पड़ जाए तो 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। अगर आपको 25 किलोमीटर दिया गया है, 25 किलोमीटर दिया गया है, जरूरत पड़ रही है इसको मीटर में कन्वर्ट करने की, तो 25 जैसा लिखा वो तो लिखा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, उसको कन्वर्ट करना नहीं है। ये जो किलोमीटर है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखिए किलोमीटर के आगे हमने क्या लिखा है 1000, तो किलोमीटर के आगे 1000 मीटर लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 25000 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये हमने सिर्फ ये जो किलोमीटर, ये वाला जो किलोमीटर लिखा था इसकी जहाँ पर 1000 मीटर लिखा है आपको यही काम करना है। जैसे कि अगले कोई प्रश्न आपको लिखा, किसी प्रश्न में लिखा गया है 500 मीटर, 500 मीटर लिखा गया है, इसको आपको जरूरत पड़ रही है किलोमीटर में बदलने के लिए, तो क्या करिए इस मीटर को देखिए, मीटर की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मीटर की जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका 500 जैसा था वैसा तो लिखा ही रहेगा, और इस मीटर की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जब मीटर लिखा हो, किलोमीटर बनाना हो तो वहाँ पर 1/100 लिखेंगे, सॉरी 1/1000 लिखेंगे, जब किलोमीटर लिखा हो मीटर बनाना हो तो वहाँ पर 1000 लिखेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कक्षा 6 की बुक में, ये सब लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं घंटे को बनाने में, तो अगर हमारा एक घंटे दिया गया है 1 आवर, ठीक है, एक घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ते हैं 1 आवर, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जब भी SECA सेकंड लिखा है, तो जब भी एक घंटे को आपको कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 सेकंड लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ सेकंड सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पर अगर आपको सेकंड लिखा गया है उसको तो घंटे में कन्वर्ट करना है, तो ये 60 और 60 का जो मल्टीप्लाई है ये नीचे आ जाएगा, तो 1/60 मल्टीप्लाई बाई 60, और यहाँ पर क्या रहेगा, आर्स रहेगा, ठीक है। तो इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। क्या लाइन बन रही है, एक घंटे को जब सेकंड में बनाना हो तो 60 × 60 लिखते हैं, एक सेकंड को जब घंटे बनाना हो तो 1/60 × 60 लिखते हैं, और एक घंटे में आपका 60 मिनट होता ही है, ये कोई बताने की बात नहीं है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 5 घंटा लिखा है, 5 घंटे में आपको जरूरत पड़ गई सेकंड बनाने की, तो 5 घंटे में सेकंड, इस घंटे के देखिए आवर्स यहाँ पे क्या लिखा है, 60 × 60, तो 60 × 60 कर दीजिए, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6×5 30 और 6×3 18 यानी कि 180 आएगा, 2 जीरो पहले से रहेंगे यानी इतने आपके सेकंड हो जाएंगे। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं 25 सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, तो 25 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर 25 सेकंड लिख दें, SEC 25 सेकंड लिख दें, तो इसमें कितने घंटे होंगे निकालने के लिए, तो ये 25 आपका लिखा ही रहेगा, और एक सेकंड के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 1/60 × 60 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/60 और मल्टीप्लाई बाई 60, और ये हो जाएगा आर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी समीकरण लिखे गए हैं सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आपको प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई गिनती लिखी रहेगी, जिससे ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, और आपको मीटर से किलोमीटर में, और सॉरी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पहले लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। तो ये बेसिक हमारा था, बेसिक के लिए हम लोगों ने 4-5 मिनट अपने खर्च कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहला लॉजिक है, हमें इसको समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि ये सर बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, आप कठिन कठिन प्रश्न लगवाइए, तो भैया आसान और कठिन कुछ नहीं होता है। अगर यही आसान प्रश्न जो आपके सरल प्रश्न हैं इसको आप समझे रहेंगे, तो जितने भी आपके कठिन प्रश्न होंगे वो बहुत ही जल्दी से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आसान और कठिन कुछ नहीं होता है, जब 2-4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वही प्रश्न कठिन हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने रेलवे ट्रैक बनाया है, एक पटरी बनाई है, रेल की पटरी बनाई है। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक रेलगाड़ी बना देते हैं। तो रेलगाड़ी बनाने के लिए हम लोग इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लेते हैं ये हमारी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी इतनी लंबी है और ये हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है। अब रेलगाड़ी हमारी इस आगे बढ़ रही है, ये हमारी रेलगाड़ी जा रही है, क्लियर। अब आगे बढ़िए, ये आपका रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के आगे कभी कभी क्या होता है कि कोई पेड़ होता है, कोई पेड़ खड़ा रहता है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। रेलगाड़ी के आगे आपका कोई खंभा भी होते हैं, खंभे भी खड़े होते हैं। रेलगाड़ी के आगे टेलीफोन के पोस्ट भी लगे होते हैं, ठीक है, ये टेलीफोन पोस्ट हो गया। और रेलगाड़ी के आगे कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी भी बगल में खड़ा रहता है, ठीक। अब ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थिर वस्तुएं हैं, आदमी गति भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर आदमी की बात कर रहे हैं, मैन की बात करेंगे तो वो गति भी कर सकता है। अब रेलगाड़ी हमें हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि एक फार्मूला जो आपने अभी भी पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, D=S×T, ये फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है। इसमें ये जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, यही हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग किस में लिखते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग L में लिखते हैं, ठीक है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही हमारी दूरी यानी डिस्टेंस का काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें रेलगाड़ी एक स्थिर वस्तु को पार कर रही है,
स्थिर वस्तु कौन सा हो सकता है, आपका पेड़ हो सकता है, या आपका खंभा हो सकता है, या ठीक है, या फिर टेलीफोन पोस्ट हो सकता है, ये टेलीफोन लिखा है, टेलीफोन और पोस्ट हो सकता है, पेन आपको दिक्कत कर रहा है, या आपका आदमी भी ट्रैक के किनारे खड़ा हो सकता है। अब जब इस दिशा में देखिए, इस दिशा में देखिए, इनकी कोई लंबाई नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि पेड़ सर इतना लंबा, ये हमारा ऊपर से नीचे तक लंबाई नहीं लेना है। जिस दिशा में रेलगाड़ी बढ़ रही है उस दिशा में देखिए कोई इनकी लंबाई नहीं है। ये खंभे की लंबाई कोई लंबाई नगण्य, बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्लियर। यहाँ पर ये टेलीफोन पोस्ट है, इसकी लंबाई जीरो के बराबर। ये लंबा ऊपर से लेकर नीचे तक नापने मत लगिएगा, ये लंबा नहीं लेना है। जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है उस डायरेक्शन में देखिए किसी की कोई लंबाई नहीं होती, यानी इनकी लंबाई क्या होती है, इनकी लंबाई जीरो होती है। किसकी लंबाई होती है, खंभे टेलीफोन पोस्ट आदमी पेड़ इन सब की लंबाइयां क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में डी बराबर एस इंटू टी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे और उस कंडीशन में रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही हमारी दूरी कहलाएगी, क्योंकि पेड़ को खंभे को टेलीफोन पोस्ट को और आदमी को पार करते समय इनकी कोई भी लंबाइयां नहीं होती, इनकी लंबाइयों को हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अगले के प्रश्न में हमारा मिलेगा आपको सुरंग को पार करना पड़ेगा या प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ेगा। तो सुरंग और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी चलती रहती है, किनारे पेड़ खड़े रहते हैं, पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है। जिस दिशा में रेल आगे बढ़ रही है उस दिशा में कोई लंबाई नहीं है, ऊपर से नीचे नाप की लंबाई हमें नहीं नापना है, क्लियर। खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, टेलीफोन पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होती है, और आदमी कोई भी लंबाई नहीं होती है। इसके अलावा भी आपको कोई स्थिर वस्तु दी जा सकती है, उसकी लंबाइयों को जीरो लिखना है। तो डी बराबर एस इन टू टी का फॉर्मूला लगाना है। आपकी दूरी बराबर क्या होगा, हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई ही हमारी दूरी हो जाएगी, एस हमारी चाल होती है और टी हमारा समय होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें अपने अगले प्रश्न लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, पेन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को लगाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले ही फार्मूला आपको लिख लेना। फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है, क्या है, डी बराबर एस इंटू टी। अब डी का मान कितना है, एस का मान कितना है, टी का मान कितना है, इसी पर अपना दिमाग लगाना है। चलिए लगाइए। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति खड़ा है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, जीरो होती है। इसे कितने समय में पार करेगी, यानी हमें समय का मान निकालना है। तो हमने बताया था रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 100 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही हमारा दूरी हो जाती है, ये हमारी मीटर में रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी चाल क्या है, स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे ये इसकी स्पीड है, और हमें कितने समय में पार करेगी, यानी टी हमें निकालना है। ये जो ऊपर की लाइन लिखी गई है, ये ऊपर की लाइन अभी गलत लिखी गई है, इसको आप सही करिए, यानी मात्रक को चेंज करिए। जो समय निकल के आएगा वो सेकेंड में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको समझना है, ये जो आपको चाल दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाई आपका टी हमें निकालना है, और ये आपका मीटर में दिया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पहले ही लाइन में सब कुछ चेंज कर लेंगे मात्रक, ठीक है। यहाँ पर दो लाइनों में हमने चेंज किया है, यानी कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से ये 2 बार, 5 में 10 हो जाएगा, और 6 का 3 गुणा 2 में होगा, तो 6 दुनी हो जाएगा 12। तो टी बराबर 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 12 सेकंड ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि सर ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को छोड़कर आप कठिन प्रश्न लगाइए। तो आसान कठिन कुछ नहीं होता है, आप आज ऐसे प्रश्नों को सिर्फ समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है, और इन्हीं प्रश्नों की सहायता से हम लोग कल मौखिक बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर पर। तो रेलगाड़ी के लिए एक ही फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, डी बराबर एस इंटू टी फार्मूला होता है, इसको हमने पहले ही लिख लिया है। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े किसी पेड़ को पार कर रही है, पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है। इस कंडीशन में हम सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई लेते हैं। यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो समय आपको दिया गया है 30 सेकंड और डी का मान दिया गया है 120। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल आपको निकालना है। चलिए निकालिए और
15 किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर आएगा। चलिए डी का मान किस में दिया गया है, मीटर में, कितना है 125। अब हम लोग सिर्फ यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे कितना मात्रक दिया गया है, बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 125 आपका मीटर है, याद रखिएगा। आपकी स्पीड एस का मान हमें निकालना है और समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड दिया गया है। और ये किस में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है। तो स्पीड एस बराबर क्या हो जाएगा, 30 का 125 में भाग हो जाएगा। तो 125 में 30 का भाग हो जाएगा, तो ये आपका किस में आएगा, जो आपकी चाल आएगी, स्पीड आएगी, वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये जो है आपका आंसर, ये मीटर प्रति सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर। अब गुणा भाग हम कैसे कर रहे हैं, 18/5 का और 5/18 का, इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही डिटेल में लगभग 10-12 मिनट की वीडियो है, आपको पिछले लेक्चर में समझाया जा चुका है, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारी स्पीड का आंसर आ जाएगा। इसको 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। यहाँ 5 बचा है, यहाँ 3 बचा है और 5 × 3 = कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर रहेगा, जो स्पीड रहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। और ये सारे प्रश्न आपको कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपके किरण पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। ये एक ही टाइप के प्रश्न हैं, आपको उन्हीं प्रश्नों को लगा के किसी में चाल निकालना है, किसी में समय निकालना है और किसी में दूरी निकालना है। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो खंभा दिया गया है, यानी खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ हमें रेलगाड़ी की ही लंबाई लेना है, ठीक है, और उसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने समय में पार करेगी, 30 सेकंड में पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ये निकालना है। हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, D = S × T, यही फार्मूला होता है, D = दूरी है। अब आपका चाल कितना दिया गया है, यही हमें रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी D का मान हमें निकालना है। चाल कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 60, और समय किस में दिया गया है, समय आपका सेकंड में दिया गया है। तो यहीं पर आप समझ लीजिए, रेलगाड़ी की जो लंबाई निकालेंगे वो हमेशा मीटर में आएगी, क्योंकि रेलगाड़ी मीटर में होती है, 2-4-5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं होती है, क्लियर। 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर इतनी ही लंबी रेलगाड़ियां होती हैं, किलोमीटर में रेलगाड़ी नहीं आती है। यानी कि जो चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और समय का इसमें गुणा करना है, समय आपका कितना है, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 10 बार कैंसिल आउट होगा, ये 6 × 18 3 बार कैंसिल होगा, ये 3 × 30 आपका 10 बार कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ सिर्फ आपका 5 बचा रहेगा, ये वाला 5 और ये वाले आपके 2 जीरो बचे रहेंगे। कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर आपका आंसर रहेगा, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में D = S × T का फार्मूला लगाना है और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे यानी टेलीफोन जो पोस्ट होता है, टेलीग्राफ खंभा होता है, उसको 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की स्पीड निकालना है। स्पीड किस में आ रहा है आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज करना है। फार्मूला क्या होता है, D = S × T, ये फार्मूला होता है। तो हमारा डी का मान, यानी डी हमारी दूरी है, दूरी जो हमारा ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारी दूरी होती है। तो इसका मान कितना दिया गया है, 240 मीटर में दिया गया है। स्पीड हमें निकालना है, समय का मान कितना दिया गया है, 16 सेकंड दिया गया है। एस बराबर कितना हो जाएगा, 240/16, 16 का 3 गुणा करेंगे तो 240 के नीचे आ जाएगा। ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो 16 से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 16 × 16 और 80 बचेगा, 16 × 5 = 80, ये 5 रहेगा, यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर रहेगा, लेकिन हमारा आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, हमारा आंसर किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 15 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, 5 × 15 = 18, 36 × 18 = 54 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है।
इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको हमने डायरेक्ट कैसे किया है, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54 डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है। डायरेक्ट सॉल्व करना भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर इसमें आप 18/5 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो हमारा 54 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है, बसरते आप समझते जाइए और देखते जाइए किस प्रकार के प्रश्नों में परिवर्तन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये भी हमारा अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, यानी इस कंडीशन में सिर्फ हमें रेलगाड़ी की लंबाई ही लेना है। कितना समय लगेगा, हमें समय का मान निकालना है। तो एक ही फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, D = S × T, यही हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर दिया गया है। चाल कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यहीं पर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम क्या गुणा करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा जो रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में ऑलरेडी है, और हमें टी समय बराबर टी हमें निकालना है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड में हमारा आंसर आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 6 से 6 कैंसिल करते हैं, 6 × 12 और 6 × 3 = 18, ठीक है। इसको 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 × 10 और 10 से 10 हमारा कट जाएगा, 3 का 3 गुणा करेंगे तो उधर आ जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, 3 सेकंड ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। हमारे अगले प्रकार का प्रश्न है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग अथवा एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, यानी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहे, या किसी पुल को पार करे, या किसी सुरंग को पार करे, या किसी रेलगाड़ी को पार करे, ऐसी किसी चीज को पार करे जो खुद कुछ लंबी होती है, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, पुल की, सुरंग की, और अगर एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दूसरे रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाइयां होती हैं। तो इसको पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और रेलवे ट्रैक में किनारे से हमारी एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक रेलवे ट्रैक, एक काल्पनिक रूप से हम लोग मानते हैं। आप लोग कल्पना करिए, रेलगाड़ी तो आपने देखा ही होगा, रेलवे ट्रैक भी देखा होगा, आप कल्पना करते जाइए, और प्लेटफॉर्म पर भी आप गए ही होंगे। तो मान लेते हैं ये हमारी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये हमारी एक रेलगाड़ी है, और ये सीधी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये आगे बढ़ती है, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं एक सुरंग मिलती है, ठीक है। अब कल्पना करिए, जब रेलगाड़ी का आगे वाला जो इंजन होगा वो इस सुरंग के पास बिल्कुल पहुंचेगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इस सुरंग की लंबाई को हम लोग वाई मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये टोटल एक्स और टोटल वाई, यानी एक्स प्लस वाई हमारी लंबाइयां हो जाएंगी। ऐसा हम कहते हैं जब ये पहला इंजन जो है इसके पास पहुंच जाता है, तो हम यही कहते हैं कि सुरंग में रेलगाड़ी एंट्री कर लिया है, और जब इसको पार करेगी, तो जब ये पूरी रेलगाड़ी इसको पार कर जाती, पूरी रेलगाड़ी पार कर जाती है, यानी आखिरी वाला डिब्बा भी इस सुरंग के पार निकल जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी ने सुरंग को पार कर लिया। यानी कि इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, रेल और एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को अगर पार करती है, तो दोनों की लंबाइयां हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता है D = F × T, इसमें हम लोग करते क्या है, तो जो दूरी होती है उसमें रेलगाड़ी की लंबाई तो लेते ही हैं, रेलगाड़ी की लंबाई तो रहेगी ही, और बाकी आपका प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग और रेल और एक रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उसकी भी लंबाइयां लेते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं, दोनों की लंबाइयां लेते हैं। कोई लंबी अगर चीज हो तो लंबाइयां, दोनों की लंबाइयां लेते हैं, किसमें लेते हैं, इस डी में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, तो यानी कि अगर यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जोड़ के हमारी दूरी निकल के आएगी, ठीक है। तो दोनों की लंबाइयां, इसको भी हम लोग वाई ही मान लेते हैं। सुरंग हो गया, एक दूसरी रेलगाड़ी मान लेते हैं इस दिशा से आ रही है,
तो कुल मिला के ज्यादा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। कुल समझाने के से हमें मतलब था कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, पुल भी बहुत ही बड़ा ही होता है, छोटे छोटे पुल आपके 2-4 मीटर के पुल तो होते नहीं है, बड़े पुल होते हैं, सुरंग भी बड़ी ही होती है और रेलगाड़ी जो होती है वो भी कम से कम 200-500 मीटर की ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी कुछ ना कुछ लंबाइयां होती हैं तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला डी बराबर एस इंटू टी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर हमारा दूरी का जो मान होगा वो दोनों को जोड़ के आता है, दोनों मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म पुल अथवा सुरंग अथवा एक दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, इन दोनों को जोड़कर हम डी का मान रखते हैं। तो इस चीज को बहुत समझाया जा चुका है, अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न में हम लोग डायरेक्ट दोनों जोड़कर मान को रखेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में लिखा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां परस्पर बराबर हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाइयों को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हमारे फार्मूला कौन सा यूज करना है, डी बराबर एस इंटू टी, यही फार्मूला यूज करना है। तो दूरी क्या होगा, दोनों को जोड़कर होगा, तो एक्स एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, एक मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, समय हमें दिया गया है 1 मिनट, तो रेलगाड़ी की लंबाइयां निकालना है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो हमें निकालना है, और रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों को हमने एक्स माना है क्योंकि दोनों बराबर है, तो डी की जहां पे हमारा 2x हो जाएगा। चाल हमारी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसको लिख देते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। समय कितना दिया गया है, 1 मिनट, समय हमारा 1 मिनट दिया गया है, इस एक्स का मान निकालना है। ये जो आपकी वैल्यू लिखी गई है ये पूरी तरह से गलत लिखी गई है क्योंकि इसमें मात्रा का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ये आपने जो माना है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये आपने मीटर में माना है, क्योंकि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा मीटर में ही होती है, यानी पूरे आपको प्रश्न को मीटर, ये आपका स्पीड है इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, 2x बराबर यहाँ 90 हो जाएगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप गुणा करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट आपका 60 सेकंड होता है, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए, 18 × 5 कितना हो जाएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा और 5×5 25, ये 5×5 25 हो जाएगा, ठीक है, और 25×6 कितना होता है, 150 होता है, और यहाँ पर ये वाला 0 रहेगा ही, तो इतना आपका किस में आंसर आएगा, इतना आपका मीटर आएगा, ये है 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750, तो 750 आप मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 750 ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हमारा सही रहेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल के आएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हमारी निकल के आएगी 750 मीटर। तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि अब ऐसे प्रश्नों में जिसमें प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग या फिर एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसमें हम डी की जो वैल्यू लिखेंगे वहां पर रेलगाड़ी की लंबाई और इन सब की लंबाइयां दोनों आपस में जोड़कर लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मात्रा का विशेष ध्यान रखना है कि स्पीड में चाल में हमारा क्या मात्रा होगा और समय का ध्यान रखेंगे, डी बराबर एस इंटू टी का ही फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला यूज करना है, तो हम दोनों जोड़ के लिखेंगे, तो इकट्ठा ना जोड़ दें, यहाँ बार बार यहाँ लिखने की क्या जरूरत, तो 450 में 150 जोड़ेंगे, 450 में 50 जोड़ेंगे 500 और कितना हो जाएगा, 600, 600 मीटर है। आप यहाँ पर मीटर किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतना कॉमन सेंस हो चुका है कि हमें क्या लिखना है, 30 सेकंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी गति निकालना है, यानी कि स्पीड हमें निकालना है, समय कितना लगता है, सॉरी 20 सेकंड का समय लगता है, तो ये सेकंड है, ये मीटर में है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, बार बार यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 600/ हो जाएगा कितना, 20, 0, और ये आपका आंसर किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटे में लिया गया है, तो 5×6 30, 18×6 108, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने कैसे गुणा किया,
मीटर प्रति सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे में 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 × 30 यानी 6 बार जा रहा है, तो 18 × 108 18 × 95 18 × 108 108 हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये सारी चीजें आपको पहले लेक्चर में बताई जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है। और फार्मूला कौन सा यूज करना है, डी बराबर एस इंटू टी, दूरी बराबर चालू में समय का फार्मूला यूज करना है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर आपका टी का मान दिया गया है, ये रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो सब तो आपको दे दिया गया है, तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 721 हो जाएगा। 500 और 221 कुल मिला के 721, ये स्पीड आपको निकालना ही है, ठीक है। समय कितना दिया गया है, समय आपको 35 सेकंड दिया गया है, ये मीटर में है ये सेकंड में है। बार बार यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो याद रहेगा ही कि 721 आपका मीटर में है और 35 आपका सेकंड में है, क्लियर। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 721/35, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन आपका आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इसकी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दशमलव में आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है, ये आपका 721 है, 721 है, यहाँ पर 25 नहीं है, 721 है। तो 721 नीचे रहेगा 35 मल्टीप्लाई किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करेंगे, तो 18/5 से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग ये सॉरी फिर 725 लिख दिया, 721 है, इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 × 35 7 = 7 0 7 3 21। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, नीचे आपका कितना रहेगा, 25 रहेगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया 25 आया। ऊपर कितना हो गया, ऊपर आपका हो चुका है 103 और 103, हाँ 103 ही है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है किसका, 18 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तुरंत कर लेते हैं, तो 18 × 36 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 18 × 18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना रहेगा, 25 रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें 25 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारा 25 है, हम क्या करते हैं, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा क्यों किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 का यहाँ गुणा करते हैं, 4 × 16 4 × 5 = 20 21 4 × 8 = 32 34 हाँ से लाएगा 3 और 4 × 1 = 4 और 3 = 7 और नीचे कितना रहेगा, नीचे आपका 100 रहेगा, ठीक है। अब गुणा करने से फायदा क्या हुआ कि नीचे आपका 100 आ गया, और जब 100 आ जाता है तो हम कुछ इसका भाग नहीं करते हैं, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 74.16 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आप यहाँ पर 25 का भाग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 का गुणा क्यों किया था, ये समझ में आ चुका होगा कि जब हमें भाग करना कठिन लगे तो नीचे वाली संख्या को 10, 100 या 1000 के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे ऊपर वाला गुणा हो जाए और नीचे से हम क्या करेंगे, जितने जीरो रहेंगे पीछे से उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये जो सॉल्व किया गया, जो हल किया गया है, उसको आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई निकालना है। चलिए सब कुछ तो आपको दे दिया गया है, एस डी बराबर एस इंटू टी का फॉर्मूला लगाना है। तो सुरंग की जो लंबाई होगी उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी में हमारा रेलगाड़ी और सुरंग दोनों को जोड़ के लिखना है। तो रेलगाड़ी कितनी है, 800, सुरंग कितना है, एक्स, दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया। अब स्पीड कितना है, 78, तो आपको पता ही 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो किसका गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। बार बार यहाँ मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें जरूरत पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड बनाने की। आगे बढ़ते हैं, समय कितना दिया गया है, समय आपका 1 मिनट दिया गया है। अब आपको पता है कि यहाँ पर समय हमारा मिनट में नहीं होता है, समय हमारा सेकंड में होता है, तो उसको लंबी कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आप
टी का मान रखेंगे एक मिनट को डायरेक्ट हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये हमारा मीटर में है, यानी हमारा डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, मीटर में आने लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये हमारा 800 प्लस x रहेगा ही। इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 त्रिक हो जाएगा 18, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 दून 6 ये 20 बार कटेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 दून 10, यानी कि 5 दून 10 ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 13 है तो 13 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1300। एक्स बराबर ये 800 उधर जाके घट जाएगा, तो 800 उधर जाके घटेगा 1300 में, तो कितना आंसर आ जाएगा 500। तो 500 मीटर हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको सुरंग मिले या प्लेटफॉर्म मिले या कोई पुल मिले और उसको रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ लेना है तब हमारा वो डी का मान निकल के आएगा। इस प्रश्नों में यही पूरी कहानी चल रही है, और चाल पर विशेष ध्यान रखिएगा और समय पर विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए फार्मूला तो हमें पता है, एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज होगा, डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला, इसको कभी मत भूलिएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो 50 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, दोनों जोड़ देंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तो आंसर हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो एस बराबर हमें निकालना है, एस मतलब स्पीड हमें निकालना है, और समय का मान कितना दिया है 10 सेकंड। अब ध्यान रखिएगा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो आपको दूरी आई है मीटर में है, ये जो समय है सेकंड में है, यानी कि हमारा एस का मान किस में आएगा, ये यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस का मान आएगा 15 आपका डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड हमें निकालना ही था, 15 ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, ये आज हमारा आखिरी प्रश्न था, और इसमें हम लोगों ने रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा है, जब रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती है या फिर रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोगों ने जो बार बार हमारा फार्मूला यूज हो रहा था, फार्मूला क्या यूज हो रहा था, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। हमारा फार्मूला यूज हो रहा था डी बराबर एफ इंटू टी, ये फार्मूला यूज हो रहा था। यहाँ पर अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ दूरी के लिए बात किया है, ये चाल के लिए बात नहीं किया। जब दो रेलगाड़ियां आएंगी आपस में टकराएंगी, समान दिशा में जाएंगी विपरीत दिशा में जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, अभी हम लोगों ने इस एस के लिए बात नहीं किया है। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व किए हैं जिसमें सिर्फ दूरी एस दूरी ही हमारी परिवर्तित हो रही है और जो चाल है वो एक ही रेलगाड़ी को लेकर निकाली गई है। अगले लेक्चर में हम लोग सापेक्ष चाल भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं बहुत ही आसान आपको प्रश्न लग रहे हैं, इसके बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही दिक्कत वाले प्रश्न कल हम लोग मौखिक सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हैं। जब बेसिक सीख चुके हों तो क्या कर सकते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने आज जो पढ़ा है इसी के कठिन प्रश्न कल सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग चाल से संबंधित चीजों को सॉल्व करेंगे, यानी सापेक्ष चाल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार 3 से 4 वीडियो में आपके रेलगाड़ी के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में रेलगाड़ी की कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई चीजों को लेकर। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।